अमेरिका में कोरोना का कोहराम जारी है। मंगलवार को 24 घंटे में यहां फिर से 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक पूरे अमेरिका में 2228 लोगों की मौत हुई है। यह एक दिन में किसी देश में कोरोना से हुई मौतों की सबसे बड़ी संख्या है। अब यहां मरने वालों का आंकड़ा 26,000 को भी पार कर गया है। इसके अलावा कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 6,13,000 से भी ज्यादा हो गई है। न्यूयॉर्क में बुरा हाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अकेले शहर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी और चीन से भी ज्यादा है। यहां 2,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 10,900 के करीब पहुंच गया है।